और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त कन्नौज में अखिलेश यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। नरेश जी, मुझे बताइए कि कन्नौज में तो अचानक से धमाका कर दिया आप लोगों ने, उम्मीदवार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, यहाँ से समाजवाद पनपा था। डॉक्टर लोहिया जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की धरती है, जहाँ पर सामाजिक विषमता को मुलायम सिंह जी ने समाप्त किया था, यह अखिलेश यादव जी की धरती है। हम कन्नौज की धरती को प्रणाम करते हैं, यहाँ के लोगों को प्रणाम करते हैं। और जो अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का, ये बेहद सराहनीय काम किया है। इससे देश के नौजवानों में, किसानों में बेहद खुशी हो गई है कि अखिलेश यादव जी दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि कन्नौज की सीट पर को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ के लोगों ने बहुत बात की अखिलेश यादव जी से कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, यही वजह है टिकट बदला गया? देखिए, अखिलेश यादव जी के नाम पर पूरे प्रदेश की सीटों में चुनाव हो रहा है, जो 80 सीटों में चुनाव हो रहा है यूपी में, वो अखिलेश यादव जी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। सारी सीटों पर अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं, सारी सीटों पर अखिलेश जी को मानने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश से निकल करके माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में अखिलेश यादव जी का प्रभाव है। और इस चुनाव के बाद आपको दिखेगा कि अखिलेश यादव जी कितने बड़े देश के नेता हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अब पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, अब मुद्दे क्या नज़र आ रहे हैं? मुद्दे तो सब वही हैं कि बीजेपी ने जो झूठ बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जितने भी लोग हैं, गरीब लोग, उनको परेशान किया है। यही मुद्दे हैं। तो आप लोग जो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का गठबंधन है वो बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल करेगा, तो आप लोगों को वो समीकरण दिखने लगे? देखिए, 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे, यह साफ हो गया है पूरी तरीके से। जो अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है और जो प्रदेश का, देश का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, उससे साबित हो गया 2014 में आए तो 2024 में आपकी बार विदा हो जाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, कन्नौज, न्यूज़ 24।